हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपना टीपिन कैसे जनरेट कर सकते हो। जब भी स्टॉक वगैरह आप लोग खरीदते हो तो उसको बाय हो या सेल करने के लिए आप लोगों को टीपिन जनरेट करना होता है, तो उसको आप लोग कैसे करें, तो आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहे, तभी आपको समझ में आए कैसे क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीपिन स्टॉक मार्केट में यूज होता है। आप किसी भी एप्लीकेशन से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको सभी में टीपिन की आवश्यकता हो सकती है। टीपिन का फुल फॉर्म होता है टेलीफोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसका इस्तेमाल कस्टमर ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है टीपिन को CDSL ने बनाया है और इसे मैनेज करता है। CDSL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। टीपिन 6-डिजिट नंबर होता है। इसे आप किसी कभी भी चेंज कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। और आपको बता दूं, जब आप किसी भी कंपनी को स्टॉक खरीदते हैं या बाय करते हैं तो उसे सेम डे पर आप सेल करते हो तो आपको टीपिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप स्टॉक को होल्ड कर लेते हो तो अगले दिन से वो स्टॉक पोर्टफोलियो में शो होने लगता है, तो इसके कारण आप लोगों को टीपिन को जनरेट करना होता है। इसके बाद जब भी आप सेल करने जाओगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग जितना भी सेल करते हो, जैसे मैंने 20 डाला, जैसे वेरिफिकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं वेरिफिकेशन यूजिंग टीपिन OTP आप लोगों को बता रहा है। तो आप लोग देख सकते हो इस टाइप का आता है, तो यहाँ पर आप लोग को टीपिन वेरिफिकेशन करना होता। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूँ, तो आप लोग बने रहे। तो अभी आप लोग को करना क्या, सिंपली अपना ब्राउज़र कोई भी ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को CDSL India डाल के .com पे आना है। यहाँ पर जैसे आप लोग उस पर आते हो तो यहाँ पर अभी आप लोग को करने का, यहाँ पर हमें अभी टीपिन जनरेट करना है। तो उसके लिए अभी यहाँ पर आप लोग को करना क्या, सिंपली लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे, जनरेट टीपिन का ऑप्शन दिखता है आप लोगों को। यहाँ से इसे लॉगिन करके भी आप जा सकते हो, या फिर आप लोग को नीचे आना है। नीचे आते ही आप लोग देख सकते हो EDIS का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आप लोगों को भी सेम वही पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर टीपिन अपना चेंज कर सकते हो और यहाँ पे जनरेट। तो मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो सेम पेज आता है, दोनों जगह से आप लोग सेम यही पेज खुलेगा। तो इसके बाद अभी यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, सिंपली BOID आप लोग को दिख रहा है, उसके नीचे आप लोग को पैन कार्ड नंबर दिख रहा है। तो BOID आप लोग को यहाँ पर कैसे मिलेगा मैं बता देता हूँ। आप लोग को सिंपली अपने क्रो ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे तो आप लोग को दिखा देता आपकी जो प्रोफाइल रहती है, ये प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो देख सकते हो डीमैट अकाउंट नंबर BOID, तो आप लोग उसको कॉपी कर लेना है सिंपली। और बैक होके आप लोग को अपने क्रोम ब्राउजर पे आना है, यहाँ पर वो ID को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग आपका पैन कार्ड नंबर जो होता है वो डाल देना है। तो मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये OTP मेरे मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट जो है इस पे आता। तो अभी देख सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है। यहाँ पर मैं OTP पे इस पर यहाँ पर डाल के इसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, या फिर आप लोग 15 मिनट बाद आप लोग वापस कोड मंगवा सकते हो। तो नेक्स्ट पे आप लोग को क्लिक करना है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर योर टीपिन जनरेट सक्सेसफुल इज बीन सेंड रजिस्टर्ड नंबर। तो आप लोग देख सकते हो मेरा टीपिन जनरेट हो गया ये नंबर, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सक्सेस हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो प्लीज़ क्लिक हैड टू बैक, तो लॉगिन का ऑप्शन दे रहा था और मेरे ईमेल ID पे भी ये आ गया। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ से अभी आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ से अभी हमें टीपिन जनरेट करना है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो वापस आप लोग को बता दो करना क्या है। यहाँ पर सिंपली जो CDSL की वेबसाइट है आप लोग को वापस उस पर आ जाना है। जैसे CDSL India इस पर वापस मैं आ जाऊँ, जैसे ही मैं वेबसाइट पे आता हूँ तो यहाँ पर अभी आप लोग को यहाँ पर आने के बाद इस पर आप लोग को EDSL पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करना है, इसके बाद अभी हमें हमें पिन चेंज करना है। तो मैं इस पर क्लिक टू चेंज पिन पे मैं करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ अभी यहाँ पर वापस मुझे वो ID डालना है और यहाँ पर पैन नंबर डालना है। तो मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर इस पर एक और एक बार ओटीपी आपका आएगा, आप लोगों को बता देता हूँ जैसे ओटीपी आएगा। तो उसके बाद अभी आप लोगों को करना है कि मैं पूरा बताता हूँ। तो जैसे मेरे को ये ओटीपी आ गया, मैं यहाँ पर डालता हूँ ओटीपी और यहाँ पे से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं न्यू एंटर न्यू टी पिन का जनरेट का ऑप्शन आया। तो आप लोग को जो भी डालना है तो वो डाल सकते हो। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ओ सॉरी, हुआ नहीं। यहाँ से मैं सबमिट कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ से मैं अभी न्यू पिन को यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हो मेरा चेंज हो गया सक्सेसफुल, न्यू पिन मैंने कर दिया। तो इस तरह आप लोग बड़ी आसानी से अपने ग्रो ऐप का जो भी टी पिन है आप लोग उसको जनरेट कर सकते हो। तो एकदम सिंपल है, तो आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिख के भी आ गया सक्सेसफुल। तो इस तरह आप लोग बड़ी आसानी से अपने टी पिन को जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। इसी की तरह आप लोग के लिए रोज़ मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा।